लीजिएगा, आपका बिल्कुल हम भी दिए हैं, आपका पॉजिटिव बॉडी वो जो तीन रखा है ना साइड में, उसको देखिए ना, तीन जो रखा है वो दोनों, ये नहीं, वहाँ जो दो रखा है, हाँ एक ये, एक ये प्रिंट वाला, हाँ ये येलो वाला कोटा वाला। ये हमारे तीज की लास्ट शॉपिंग है और आज है बुधवार, कल है तीज, तो आज फाइनली मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, आ गई हूँ मार्केट, तो यहाँ पर साड़ी वगैरह ख़रीद लिया है, अब सीधे घर चलते हैं। सारे सामान खरीद लिए हैं हमने और यहाँ पर भगवान जी के आगे में सारा सामान रख दिया है, डलिया वगैरह सारा चीज़, पर्स भी यहीं छोड़ दिया है, इतना सामान है, और एक थैला कॉर्नर में रखा हुआ है, तो इतना सारा सामान खरीद लिया है। आज भी हम लोगों में साड़ी पहन के, जो भी अपना गाना जेवर सब आज पहन लीजिए, मम्मी भी एक नया पहन ली थी, ज़रूरी नहीं है अखंड पहनना है, लेकिन अपना आज ही पहन के बाल वाल धो के और शैम्पू वम्पू लगा के आज ही मेहंदी वेदी लगा लीजिए, तो मैंने कल ही ठेकवा पे रखा बना लिया है। तो ये जो कढ़ाई ली है, हम लोगों में उडगनो होता है, यानी कि कल तीज होगा तो कल 3 बजे सुबह उठ के आपको क्या 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 खाना पीना है, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी 3 बजे सुबह का। तो सबसे पहले ये देखिए, मम्मी के लिए मैंने यही तांत साड़ी ली है, मम्मी बोली थी भारी साड़ी कोई भी अभी मत लेना, मम्मी तो बिल्कुल मना कर रही थी, तुम्हारा पूरा घर अभी उजराया हुआ है, परेशान हो, लेकिन ये बोले नहीं जाके ले लो, तो ये 1200 समथिंग में दिया है और इसमें ब्लाउज नहीं आता है तांत में, तो इसका पेटीकॉट लिया। और मेरा जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ उसका ब्लाउज बनाया है, आप लोगों को दिखाया, उसका पेटीकॉट लिया, बहुत सारा सामान लिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, और थोड़ा सर भी हल्का लग रहा है इसीलिए कि जैसे देखिए ठेकुआ पर क्या जो मेन चीज़ होता है वो बन गया है, फल वगैरह जो है फल वाले ने आके पहुँचा दिया है, तो वो भी मैं भगवान जी के आगे ही मैंने रख दिया है, और कुछ फल वो बोले कि शाम में मैं लेकर आऊँगा, आधा वो दिया, ये पेटीकॉट जो पिंक वाला आपने देखा, तो यही पेटीकॉट की मैं बात कर रही थी जो मेरे ब्लाउज में मिल रहा है, तो मैं भी आपको ब्लाउज में ये ब्लाउज दिखाती हूँ कौन सा पहनने वाली हूँ। ये मैंने आपको और भी पहले दिखाया था जब चूड़ी आपको दिखाया था, तो ये मिल रहा है, वो मैं मम्मी को भी दिखा रही हूँ, और मम्मी के साड़ी का भी देखेंगे, साड़ी पर पेटीकॉट रखा है, ब्लाउज मम्मी के पास रेड था, और अब मम्मी चली गई है दूध बंद करने के लिए, बाबू को खिला रही थी, तो मम्मी को एक एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। तो ये पीला कपड़ा मैंने लिया जो मैं बिछा कर पूजा करूँगी, हर बार करती हूँ, और ये एक चुंदरी लिया जो तस्वीर पर उड़ाऊँगी, और इस बार तो इतना सुंदर सुंदर चीज़ मैंने लिया है। देखिए परेशानी तो जीवन में इंसान को है ही, मम्मी का भी ऑपरेशन होना है आप लोगों को पता है, अब देखिए कहाँ होता है, रूबर में होता है, IGIMS में होता है, अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं आया है, तो मैं सब सामान मम्मी के साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा का अर्घी पंचपात्र लिया और एक बड़ा ऐसा दिया लिया, थोड़ा सा बड़ा लिया है, और आजकल हर जगह मैं देखती हूँ, मैं डॉक्टर के यहाँ भी जाती हूँ, कई लोगों के उंगली में भी देखती हूँ, कच्छप जो होता है कछुआ वो लोग धारण करते हैं, तो मैं अंबे का कछुआ प्लेट पर रखा हुआ लिया, ये देखेंगे, सुनते हैं कि इनका पूजा करने से, ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, इनका पूजा करने से घर में रोग बीमारी कम होता है, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और ये देखेंगे सिंदूरी, एक लकड़ी का नया लिया है, बहुत ही अच्छा, इस बार मैंने बहुत यूनिक चीज़ लिया है, और मैं बिल्कुल खुश हूँ डियर। देखिए दुख सुख तो आने जाने हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उदास रहें, हर दिन हर पल को ऐसा जीविए कि यही सबसे सुनहरा पल है हमारा। और यहाँ पर क्या मैं दिखा रही हूँ आपको, जो बिंदी है, रौली है, बिंदी भी माँ को चढ़ाने के लिए, जो सब अलग से लिया है, मिट्टी का दिया लिया है, जो वो जो चौकी सजाऊंगी तो वहाँ पर मैं दिया जलाऊंगी, वो तो इसके बाद तो तीज का ही ब्लॉग आने वाला है, और पक्का गुरुवार को तीज था और गुरुवार तक आपको मिल जाएगा। और ये पूरा जो श्रृंगार का डलिया होता है जो माँ को चढ़ता है, तो वो डलिया अलग से लिया है, और चूड़ी लहठी मेरा तो हो गया था, लेकिन वहाँ पर चूँकि मम्मी के लिए भी मैंने एक दो ख़रीदा था, लेकिन चूँकि मम्मी का साड़ी नहीं खरीदाया था,
तो उसका मैचिंग नहीं ले पाई थी, इसीलिए मम्मी का आज साड़ी खरीदी हूँ। तो मम्मी का के साड़ी का भी मैचिंग लेठी खरीदी हूँ। और एक्स्ट्रा में क्या खरीदी हूँ, ये तो फल है जो कि जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि एक नारियल फटा हुआ आ गया है, तो कुछ फल अभी है और कुछ फल वो बोला है कि मैं शाम में पहुंचा दूंगा। तो फल भी मैं लगे हाथ यहीं पर निकाल लूंगी, क्योंकि एक तरह से तरफ से सारा काम करके मुझे रख ही देना है। फल मैं शाम में धो लूंगी, क्योंकि मेहंदी भी लगाऊंगी और ख़ुद से लगाऊंगी, तो ये पानी वानी का काम कर दूंगी। हालाँकि फल मैं कल भी धो सकती हूँ, लेकिन धो के रख ही दूंगी, क्योंकि फिर से कोरोना वापस लौट गया है। तो अब मेहंदी भी मुझे लगाना है, तो मैं अभी क्या क्या लूँगी ये मैं आपको दिखाऊँगी। तो वो जो मैं दिखा रही हूँ ये मम्मी के लिए मैंने मंगलसूत्र लिया है, और इतना प्यारा है। अभी इस वीडियो में अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करिएगा, मैं स्पेशली सारा ज्वेलरी दिखाऊँगी जो मैंने आज लिया है। और सारा जो है वो आप ये कह लीजिए जो गारंटी वाला होता है वो लिया है। मंगलसूत्र मैंने 250 में मम्मी के लिए लिया है। साड़ी ग्रीन और रेड का है, तो रेड का मैचिंग मैंने लगाया। तो ये मंगलसूत्र इतना सुंदर है। ये अंगूठी जो मम्मी पहन रही है, एक अंगूठी मम्मी के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है। मम्मी के लिए 250 का मंगलसूत्र लिया है, और नथ लिया है खुद के लिए, क्योंकि मेरा सारा सोने का ज्वेलरी बैंक में रख दिया है हमने। तो अभी तो समझ ही रहे हैं ये परेशानी में कौन इतना तामझाम करेगा। तो ज्वेलरी तो आर्टिफिशियल आजकल सबके पास पास होते हैं। तो टीका भी मेरे पास था, मम्मी के लिए लिया एक। अब देखती हूँ कौन कौन सा पहनती हूँ, मम्मी कौन पहनती है, मैं कौन सा पहनती हूँ। और गले में भी है, मम्मी के लिए भी लिया और नथ लिया है। तो एक एक करके मम्मी को मैं दिखा रही हूँ कान वान का। तो अभी आपको भी मैं सबको जूम करके दिखाऊंगी, और खोल खोल कर अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि लेने गई मैं टीका नथ, ये सब मैं लिख कर गई थी एक कागज़ में, टीका लेना है, नथ लेना है, नेल पेंट लेना है। देखिए ये मम्मी मंगलसूत्र पहन रही है, इतना सुंदर। ये मम्मी बोल रही है कि यही साइज़ का मैं ढूंढ रही थी, बहुत ही अच्छा तुम ली हो। और इतना मजबूत है, इतना अच्छा से सारा नग बैठा है साड़ी की मैचिंग में, बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी बहुत खुश हुई। माँ बाप को अगर आप माँ पिताजी को खुश रखते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं अपनी सासू माँ का भी इसी तरह करती थी, छोटे छोटे में। ज़्यादा मांगा तो कुछ किसी को नहीं दे पाती हूँ, लेकिन छोटे छोटे सामान से ही मैं बहुत खुश करती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी बोली मंगलसूत्र बहुत ही अच्छा है, तो दुकान वाले ने कहा था आपको इसी पॉलिथीन में रखना है, तो इसमें रखा है। अब सारे चीज़ को मैं अभी तुरंत आपको जूम करके दिखाऊंगी। तो ये दो तीन डलिया है, दो रंगा हुआ मिला और एक बिना रंगा था, तो मम्मी बोली मैं कल रंगा दूंगी। ये जो कढ़ाई लिया है इसमें दही जमाऊंगी आज। और ये लैठी देखिए, साड़ी का मैचिंग है, बहुत ही महंगा लैठी दिया है, लेकिन मैंने मम्मी के लिए लिया। और इसमें अब मैं सब आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये जो लहठी है इसमें मैं साड़ी में पीला और लाल दोनों है, तो मैं मैचिंग लगाऊंगी साड़ी लहठी में। तो जो मेरा चूड़ी का डब्बा था उसी में मैंने मम्मी का लहठी रख दिया, क्योंकि अब समय नहीं है, शाम हो गया, खाना बनाऊंगी शाम का, मेहंदी लगाऊंगी। मम्मी को अगर आज नहीं लगा पाऊंगी तो कल लगाऊंगी। दही में जामुन देना है सुबह के लिए, और भगवान के आगे में सारा चीज़, दही चूड़ा रसगुल्ला फल मिठाई ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज पीने से प्यास नहीं लगती है, सब रखूँगी। तो ये देखिए ये खूबसूरत कान का ये लिया था, मतलब मैं तो लेने ये सब गई थी, अंगूठी तो सोच कर गई थी, मंगलसूत्र सोच कर गई थी, नथ टीका नेल पेंट मेहंदी ये सब सोच के गई थी। लेकिन दो कान का इतना अच्छा मुझे लगा, बहुत कॉस्टली दिया है, 250 का, 350 का, लेकिन इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि मैंने ले लिया। और कलर भी बिल्कुल यूनिक था। तो ये नथ आपने देखा डबल लेयर का है। अगर आप लोगों में से कोई नम्रता पांडे के नाम से फेसबुक पर हैं जुड़े हुए हमसे, तो वहाँ पर आप लोगों ने पिक देख लिया होगा। नथ जो है वाकई बहुत अच्छा था। और ये जो टीका है ये नीचे में मोती वाला है, तो इस तरह का मेरे पास कान का है, जो मराठी लुक मैंने क्रिएट करने का सोचा था, अभी तक नहीं कर पाई हूँ। तो ये टीका मैंने जैसे ही देखा तुरंत ले लिया, थोड़ा हैवी है और अलग अलग ले रही हूँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। 250 का मुझे कान का भी पड़ गया था, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो टीका और कान का मेरा सेट हो गया, बचा है गले का, और नाक का भी मैंने ले लिया है मोती वाला। और जो बैंगल्स मैंने ग्रीन और मैरून दिखाया था, तो इस मोती का बैंगल्स भी मिलता है, वो ले लूँगी। तो बिल्कुल मेरा पूरा मोती का सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर टीका नथ आपने देखा, मंगलसूत्र देखा, बहुत ही प्यारा है। और इधर साइड में दो अंगूठी रखा है। काजल मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं लेने गई तो वो कोई 50-60 का दिखा रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं तो ब्रांडेड ही लूँगी, अभी तो ऑनलाइन मंगाना छोड़ दिया है। तो ये मामूली सा एक काजल ले लिया। और
मेहंदी 4 गुप्पी ले लिया है और सारा चीज़ इस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया, जो भी लिया आपको दिखाया। तो उम्मीद करती हूँ इस ब्लॉग को भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब मैं खाना बनाऊँगी, मेहंदी लगाऊँगी और काम की तैयारी में लगूँगी। कल का जो ब्लॉग आएगा वो भी बिल्कुल अच्छा होने वाला है, बिल्कुल 3 बजे सुबह से ही शुरू करूँगी। तो डियर जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ तीज के ब्लॉग के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।